वही है। अरे मंगल भैया, मैं एक साल के लिए बॉम्बे क्या चला गया, तुझे मेरी खौफ नहीं रही। सुन मेरे पिताजी बार बार तुम्हें बेशरम कमीना कहा करते हैं, शराबी कहा करते हैं, जुआरी कहा करते हैं, तब क्यों ना मैं जुआ खेलूं शराब पीऊं। ये काम अभी के मन के क्यों अभिच्छा है दारू पियो खो कि चल। वो जो पंडालों के सरदार भगत सिंह है ना, उनके अड्डे पर चलते हैं। हाँ उनके अड्डे पर, अंधे पर नहीं अड्डे पर। अच्छा वहीं पर जमकर शराब पी जाएगी और जुआ खेला जाएगा। और ये तो पियो दारू ना, हाँ कि खबर नसी में भर जाओ। नसी केव के घर फोक दियो, केव के दरबार कूद जाओ और वही नसी में अपनी अम्मा का हाथ पकड़ लियो। आज मैं अपने पिताजी की घड़ी जुआ कर लाया हूँ। अरे वाह। और अपने माँ का हार लेकर आया हूँ और अपने पिताजी की रॉयल इनफील्ड बुलेट की चाबी लाया हूँ, बुलेट से आया हूँ, दांव पर लगा दूंगा। अच्छा अरे तो ठीक है भैया। और सुनो जाओ पहले ये बता तेरी पाए कहाँ पर है, तेरी पाए कहाँ पर है। अरे तेरे पाए कहाँ पर छोटों अगर तू अपनी चालबाजी से अपनी हेकड़ी से अगर उस अड्डे पर जुए में मुझे जिताता रहा तो मैं तुझे बाद में समझ लूंगा। बाद में? हाँ नहीं नहीं नहीं, जब सारी अमानत दौलत उसके अड्डे पर मैं जीत जाऊंगा ना, तो उसमें से 5% तुझे दे दूंगा। अरे वाह क्या बात है। फोन लगा करके बता दे कि मंगल सिंह आ रहे हैं। भैया फोन तो है नहीं यार, कहाँ ढूंढेंगे दादाजी। भैया अपन मोबाइल लगा दियो तो नंबर नहीं जाने तो अंजे दूर धोखा भी 99 84 तू चमार एक पासी हरियापुर पुआसी। हेलो हाँ हमने महीने बोल रहे हैं। हाँ 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 महीने होता है मंगल भैया। अपनी अम्मा का हार चुराए, अपने बाप का घड़ी चुराए, बुलेट का चाबी चुराए। हाँ बता दे शराब की 4 बोतल। हाँ शराब का 4 बोतल तुम्हें में चाहे गहरा मिला दे। हाँ तो भी लियो की बात नहीं, चलो चलो तो जो और साथ है लड़की नहीं लियो नमकीन। वो नमकीन बात हो गई। हाँ अब देख हलो हाँ हर कैसे करूं मुझको
हाथ में ताश की गड्डी लाना रुपया कई हजार। आप घबराओ ना, घबराओ नहीं, हाँ घबराओ घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आज पहले जो आप बहुत मान ला बाबा एक झंडू बम बनावे का बा वकी बात यही से पार्टी लिए कहा जाए तो सही कह रहा हूँ इन तेरा दिमाग बहुत सही है ना दे पार्टी से इनका मारा जाए सही कह रहा है चल ठीक है आप सीखे की खेल रहे हैं चल 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 मंगल भाई अरे कुर्सी में क्या पहले अरे कुर्सी पर बैठ कर क्यों नहीं रहता भाई चल आज जमीन में बैठ कर खेला जाएगा जमीन में बैठो चल जैसी तेरी मर्जी बैठा आप क्या लगा रहे देखो इस बैग के ऊपर वाली थैली में पांच असर भी है पांच असर जी आपने तुमने क्या लगाया मेरे बुलेट की चाबी रखो भैया चलो हम भी आए नहीं पाए राम जादे तेरी शादी क्या मेरे यहाँ हो रही है भारत लेना मैं भारत लूंगा मेरा सन रहेगा सन हम अपने पेड़ कटहल हम अपन बीड़ी माचिस लगाए हाँ बीड़ी माचिस के पे भारत 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 अरे वार का दीजिए लाइए चाबी लाइए मेरी अरे भैया जान पड़ता है मुझसे बाबा आए हम भी तीन से चल रहे हैं हाँ अब क्या लगाओ मिस्टर लगाऊंगा तो इस लोली बैग ले अरे रुपए कई हजार सुनिए मंगल यार लगाता हूँ दांव पर अरे चले वो दर्दार किसकी जीत होगी तो लगा रहा हूँ दांव पर ये अपनी माँ का हार सुनिएगा सरदार सिक्के को उछालिए और कीजिए नहीं आभार अब जाने सुनो ये मेरी माँ का तो हार है ही हाँ मैं अपनी माँ की टड़िया भी लाया हूँ टड़िया लगाऊंगा अपनी माँ की टड़िया का तो अपन घड़िया अरे टड़िया हाँ भाग दूंगा भारत 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 चलो आप क्या लगाओगे सरदार जी तू हालत भाई देख दोस्त बोलो अब तो हमारे पास कुछ नहीं है ला अब मैं क्या लगाऊं सरदार जी अभी तुम्हारे पास एक अनमोल रत्न है अनमोल रत्न अगर वो तुम लगा दो ना अगर उसको तुम लगा दो तो मैं ये सोने का हार बुलेट की चाबी और पिताजी की घड़ी तुम्हारी असर भी तुम्हारा रुपया सब लगा दूंगा वापस आ जाएगा लेकिन वो कौन सा अनमोल रत्न है जो आप कह रहे हैं बंजारन रूपा ये सही कह रहा है उसको तो मैं मेले से उठा कर लाया था चलो ठीक है भारत लेना सन भाई अब की भारत मेरा रहेगा अच्छा चलो भाई सन चलो सन भाई चलो अब के हम अपने दादा की माई का लोग उसके दांत कहाँ है चलो रेडी हो जाओ आ गया सर मेरे में जीत मेरी हो गई अरे रूपा को जल्दी बुलवाओ रूपा मेरी हो गई घबरा नहीं तो सुमंगल सिंह भंडारी रूपा को बुलाया जाए जय रूपा
Thank you.
भंडारी एक काम करो, काला काजल पूरे मुंह में पोर दो साहे, अब तो पूरे नगर में धुआं दो, ताकि कोई दूसरा कभी आवाज सदा ऐसी हरकत ना करे। Mana cahaya
बादशाह का राजकुमार है, मेरा बेटा तो राजकुमार तुलसी है जिसके दाहिने हाथ कट चुके हैं। घबराओ है मंगल सिंह, मैं जल के अंदर आ रहा हूं, आग से जल के अंदर तुझे मारते मारते मार डालूंगा। मैं क्या सुन रही हूँ, मेरे स्वामी जी मेरे बेटे मंगल को बहुत मारते हैं और लगता है मारते मारते मार डालेंगे। ठीक है, आज तक मैंने जिस रात को छुप छुपा कर रखी थी तृतीय सारा रात खोल दो। मंगल सिंह का बेल मंजूर हो गया है, एक बेल का
रिहाई जानते हो? अच्छा अच्छा, रिहा करनी है, रिहा हॉल में क्यों ही रिहाई उसकी होने वाली है। अच्छा अच्छा, पूरा कागज बन चुका है, मंगल सिंह को जेल से बाहर ला। बेटा मंगल सिंह घराओ, रास्ते में तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? गाली दे रहा था। मार दो, मार दो, नहीं मर जाएगा, मार दे। तो हमें जानी नहीं पड़े। बेटा मंगल सिंह कहा, तबियत कैसी है? आप तो ठीक है पिताजी, तबियत मौसी है। बेटा मंगल सिंह, आप पिताजी मेरे बेटे, तुम कहने के मुताबिक काम करो। जब मेरे कहने के मुताबिक काम कर रहे होगे सहिता तुम्हारे मस्तक पर बंधेगा, तुम यहाँ का महाराज कहलाओगे। अरे तार, तार मेरे मस्तक पर बंधे, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बेटा शाबाश, तो जाओ इमरती लोहार को बुला कर लाओ। इमरती लोहार? जी हाँ, बुढ़ा बुढ़ा जो बहुत पुराना लोहार है। अभी गया, अभी आया, ले आओ। महारानी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, रथ ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, रथ ठीक करना है? जी हाँ। तो ठीक काम है, जाओ जा सकते हो। अच्छा ठीक है, अभी ठीक करके अपन मंगल सिंह सामने चलो। हाँ बेटा, देखो मत भाव में ठीक कर रहा है। धुले के आगे चेहरा पिन लगे। हाँ हाँ, जहाँ पर पंकुटी लगती है। बेटा मंगल, जब धुलकुली निकाल देंगे, साथी भीम सिंह रथ हाकेगा, महारानी मेरा चेहर रथ पर प्रयाग मान रहेंगे। जब रथ रफ्तार में हो जाएगा तो चक्का निकल जाएगा और रथ पलट जाएगा। हाँकने वाला साथी भीम सिंह वो महारानी मेरा थे गंगा स्नान से वापस नहीं आएंगे। मंगल सिंह, हाँ चुप रहो, देखो पूर्व हवा आ रहा। इमरती, हाँ अच्छी तरह से ठीक कर लिया, खूब अच्छी तरह से ठीक, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल चक। याद रखो, अगर कोई गड़बड़ी हुई, कोई दुर्घटना हुई, तो उसके जिम्मेदार तुम उठाया जाओगे। चिंता मत करो, ये सब करके बहुत पुराने लोहार हैं। कोई कमी नहीं हुई, यह जिंदगी जीत गई हमारे करते करते। इन्हें 5 सफ़ी सोने की देकर विदा करो। सोने की 5 सफ़ी? हाँ, आइए आइए। आओ, रथ के चक्के के धुरकुले निकालते हैं, और रथ के चक्के के धुरकुले बहुत टाइट है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। चलो ले मत। ये नहीं रथ के चक्के की धुरकुली, क्या होना चाहिए? अब चलो हम और आप किसी पहाड़ी से देखते हैं कि रथ कितनी रफ्तार में जा करके कहाँ चक्का निकलता है और कहाँ खून खराबा होता है। भीम सिंह कहाँ कैसे बढ़ते आओ हमारे साथ। चक्कर चल रहा है,
देखो वो देखिए साथी भीम सिंह के दोनों हाथों से होकर के लगता पहिया चला गया, उसके दोनों हाथ कट गए। अरे महारानी बार बार बच गई, होकर के साथी भीम सिंह को अपनी बाजुओं के सहारे पैदल राजनयन की तरफ छोटा मंगल से खाना बतला रहा है। साथी भीम वो महारानी के पहुंचने से पहले हमें तुम दरबार में तैनात रहेंगे, आओ जल्दी आओ। दीवार से पूछो नहीं ये सब कैसे हुआ। चलिए ये सब कैसे हुआ?
काटे गए थे उसकी लापरवाही से रक्तों का देख लिया उठाकर साथी भीम के हाथ कर चुके महारानी मरते मरते जीवित बचे और कह रहा मेरे बलोता कहा किसने कटाया बच्चों में मैं कम हो नादान हो तुम्हें नहीं मालूम है कि ये सब रत्ना करे खुद का क्या गजब का इंसाफ है क्या इंसाफ है खून के बदले खून और हाथ के बदले हाथ हमेशा माइंड में रखना इनके हाथ के बदले में मेरे बूढ़े बाप का हाथ कटवा लिया गया कटवा लिया गया रत्नागर का इंसाफ है फूल के बदले फूल हाथ के बदले हाथ इंसाफ है आज मैं अपने बूढ़े बाप को लेकर यहाँ से कह रहा हूँ लेकिन वो ताले पर खुला कि हाँ इंसाफ होता है यह इंसाफ का कानून तोड़ा जाए होती है इतने नजदीक पहुंचो कि सुन सको हाँ आओ मेरे साथ